व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार गोल्ड के साथ में, जो कि हम लोगों को मिला है। नेक्स्ट यहां पर मनजीत सिंह जी ने यहां पर 800 मीटर की रेस में हम लोगों को एक गोल्ड दिलाया। आप लोग देख सकते हैं यहां पर पहले हमारे जो मेडल थे यहां पर, ये आप लोगों के सामने गोल्ड यहां पर 8 थे, अब यहां पर बढ़कर 9 हो गए हैं। अगर बात करें सिल्वर की तो ये 13 से 19 हो गए हैं, और अगर बात करें यहां पर ब्रॉन्ज मेडल की तो ये 20 से बढ़कर 22 हो गए हैं। टोटल आज की डेट में हमारे 50 हो गए हैं, जो कि कल थे 41, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हैं, 9 मेडल हम लोगों ने जीते। तो अच्छा खासा हमारा दिन रहा, और सबसे बड़ी बात शानदार ये है कि पोजीशन जो 9 थी वो उससे बढ़कर 8 हो गई है, ये काफी अच्छी है। अगर बात करें टॉप 5 की तो चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया और यहाँ पर ईरान है। 97 गोल्ड है, 43 हो गए यहाँ पर, 32 हो गए, 24 और यहाँ पर है 17। तो यह है टोटल 5 जो टॉप 5 कंट्री आज के डेट में यहाँ पर मेडल टैली में चल रही है। टोटल 206 हैं, यहाँ पर 142 है, यहाँ पर 118 है, यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 49 है। तो ये आप लोग याद रखते हैं, आप लोगों से अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाए फ्यूचर में तो ओके। तो इंडोनेशिया में ये 18वें गेम चल रहे हैं, जिनको एशियन गेम या फिर एशियाड भी इनको बोला जाता है। टोटल मिला के हमारे 9 गोल्ड हो गए हैं, 9 गोल्ड है आप लोगों के सामने यहाँ पर। ये एक एक करके आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में नहीं, जब यहाँ पर लास्ट में ये सारे आप लोगों के ये खत्म हो जाएंगे, अभी गेम जो रिसेंटली अभी आई थिंक 2 सितंबर को खत्म होने वाले हैं, तो उसके बाद में फिर आप लोगों को टोटल इसके बारे में एक वीडियो बना के दूंगा मैं, जिसमें सारी चीजें कवर करूंगा, हिस्ट्री भी, और उसके साथ में आप लोगों को जो भी यहाँ पर आज गेम में गोल्ड वगैरह मिले हैं, किस फील्ड में क्या क्या डिफरेंट चीजें रही हैं, वो फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल ही आप लोगों को एक इस तरीके से हो जाएगा कि आप लोग की एक बेस बन जाएगा आप लोगों का उस टाइम तक, और आप लोगों को इतनी बार रिवाइज करवा चुका हूँ मैं ये सारे मेडल, ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद भी रख पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज है 29 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में नेशनल स्पोर्ट डे। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 अगस्त को। इसी के साथ में फिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये बर्थडे है ध्यानचंद जी का। ध्यानचंद जी को जादूगर बोला जाता था हॉकी का, और ये भी माना जाता था कि इनकी हॉकी स्टिक के साथ में कोई चुंबक लगी हुई है, जिससे बॉल को चिपका लेते हैं और उठाकर ले जाते हैं, ऐसी कुछ बात ही बोली गई थी, और तोड़कर देखा गया था इनकी हॉकी स्टिक को। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना खतरनाक लेवल का ये खेला करते थे। गोल्ड जीता था यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर 1928, 1934 और 1936 में आप लोग देखते हैं, और स्कोर किए थे लगभग 400 गोल अपने करियर में इन्होंने 1926 और 1948 टोटल मिलाकर जब तक ये खेले। बस दुखद ये घटना रही कि ये आजादी के बाद नहीं खेले, अगर आजादी के बाद भी खेलते तो कुछ और ही नजारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता ढंग से। अगर ये लगभग अगर 10 साल और खेल जाते तो फिर देखते क्या मजा आता। चलिए, जो भी है इन्हीं के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो हमारी कंट्री में दिया जाता है, ये हाईएस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, स्पोर्ट के गेम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थडे के रूप में हमारी कंट्री में। ओके, तो याद रखिएगा इनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और खासकर अभी एशियन गेम चल रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सेक्शन है यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के बारे में, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है 2019 के इलेक्शन के लिए। बीजेपी ने अनाउंस कर दिया अभी से ही कि यहाँ पर जो इलेक्शन लड़े जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अंडरशिप, वो लीडरशिप में यहाँ पर लड़े जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट पीएम ये होंगे बीजेपी की साइड से कैंडिडेट। अब देखते हैं आगे आगे कौन और अनाउंस करता है यहाँ पर। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी यहाँ पर सेकंड कंट्री की विजिट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है कंबोडिया। पहले थी वियतनाम में, अब कंबोडिया में यहाँ पर पहुंच चुकी है। दो दिन का ये यहाँ पर इनका टूर है। मैप में एक बार निहार लेते हैं यहाँ पर कंट्री भी, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके। ये देखिए यहाँ पर हो गया वियतनाम, अब यहाँ पर है कंबोडिया में, ठीक है ना, ये हो गया कंबोडिया। देख सकते हैं आप लोग, कंबोडिया एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया यहाँ पर, इसका हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और हमारी जो अभी मैंने हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया था, हमारी डिफेंस मिनिस्टर कौन सी कंट्री की विजिट पर है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को याद होगा, इतना तो कम से कम इतना आप लोग याद रखना भी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं आगे, यह भी यहाँ पे ये भी इस तरीके की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी भी इंडियन को इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है तो ये आप लोग जरूर रखा कीजिए। यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट्स इकोनॉमिस्ट हैं, यहाँ पर नाम है सत्य एस त्रिपाठी जी, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से। अगली यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है पीवी सिंधु जी के बारे में, फर्स्ट इंडियन बन गई हैं यहाँ पर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में एशियन गेम में, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो आइडिया रखना चाहिए जो फर्स्ट बनता है, इस तरीके भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेपाल में अभी बिमस्टेक, जिसको बोलते हैं हम लोग
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी अभी देखने को मिली आप लोगों को मीटिंग हुई कहां पर, नेपाल में, ठीक है। फोर्थ समिट थी, याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये टोटल कंट्री है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर याद रखिएगा पाकिस्तान नहीं है, इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बिमिस्टी को, क्योंकि आसानी से काम हो जाते हैं यहां पर, कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाता है यहां पर किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, सारे और सहयोगी देश हैं हमारे जो यहां पर सारे मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और बाकी आप लोगों को, बाकी आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इकोनॉमिक का लेक्चर आप लोगों का आ जाएगा, तो शाम को ही आप लोगों का इकोनॉमिक का लेक्चर आ गया था, इसको जाकर आप लोग देखते हैं। अब तक हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी बस, अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की गई है, तमाम बातें डिस्कस की गई हैं। 27 मिनट का ये लेक्चर है, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और एनसीईआरटी का ये, इससे अलावा एक चैप्टर और बच गया आप लोगों का, 11th की जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है वो भी कवर कर लूंगा। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर काफी शानदार तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर दिए, इनको देख लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, 26th of April 1996 में इसका गठन किया गया था 5 कंट्री के द्वारा। इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा, फाउंडिंग मेंबर नहीं है, 2017 में ही अभी हमको यहाँ पर इसका मेंबर बनाया गया है। क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके के भी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा तजाकिस्तान, पांच कंट्री हैं यहाँ पर जिनके द्वारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। हेडक्वार्टर बीजिंग में देखने को मिलेगा, करंट मेंबर 8 है यहाँ पर, और टोटल मिलाकर कौन है यहाँ पर, ये इंडिया भी यहाँ पर मेंबर है। अच्छा, 5 तो हो गए फाउंडिंग मेंबर, 2 हो गए इंडिया और पाकिस्तान, इसके अलावा एक मेंबर और कौन बच गया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, तो इसकी ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों के सामने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट 1989, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं, आप ही काफी न्यूज में था ये। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 123rd अमेंडमेंट बिल 2017 यहाँ पर रिलेटेड किससे है, ये था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई थी ओबीसी को, ठीक है, तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो यहाँ पर हमारी कंट्री में कमीशन है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक स्टेटस दे रखा है, इसी तरीके से ये 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई है। अच्छा, ये बताइए आर्टिकल 1, 2, 3 ये किससे रिलेटेड है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं, हाल तो याद आ गया होगा, चलिए जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, तो ये बताइएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, एक ऑटोनोमस स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टैच्यूटरी मतलब स्टैच्यूट के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है पार्लियामेंट में, पास करने के बाद में। हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली आप लोगों को दिल्ली मुंबई में हेडक्वार्टर वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये पहले कहां पर था, पहले था ये दिल्ली में और मूव किया गया हैदराबाद में 2001 में। 10 मेंबर कमेटी है, 5 फुल मेंबर रहते हैं, 5 पार्ट टाइम मेंबर रहते हैं, और इसके अलावा एक आप लोगों को चेयरमैन यहां पर नजर आएंगे, चेयरमैन यहां पर कौन है, यह सुभाष चंद्रा, यह है कुंती, ठीक है ना, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी आप लोगों के सामने है लोगो, ये हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा डालते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के ऊपर, तो जो अभी फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है ये है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है इसकी क्योंकि ये इंडिया में न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, और थीम यहां पर है बुद्धा पाथ। देखिए बुद्धा का पाथ क्या था, अगर एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताऊं, बुद्धा का पाथ हमेशा एक मिड पाथ हुआ करता था, मतलब किसी भी फील्ड में ये एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाते थे, मतलब एक मिड पाथ हुआ करता था, हमेशा ये था कि हाँ कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही रहेगा, इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि बुद्धा के पाथ पर चलो, आप लोगों को ये नहीं है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाना है, किसी भी लेवल पर एक बुद्धा के पाथ पर चलो, मिड पाथ पर चलो, ना ही बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ना ही बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिससे आप लोग खुश भी रहेंगे, ठीक है। द यहाँ पर बोला गया था बुद्धा पाथ द लिविंग हेरिटेज, तो ये इसकी जो है यहाँ पर ये थीम है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं कहां पर हुआ, दूसरा क्वेश्चन थीम क्या थी, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा एडिशन था ये, तो 6th एडिशन था यानी कि 6वां एडिशन था जो कि यहां पर ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया। फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में कोलैबोरेट किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है 4 स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है, चार नहीं 3, कौन है, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। इसके अलावा कौन है यहां पर, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, जापान पार्टनर कंट्री रही है, देखिए याद रखिएगा जापान पार्टनर कंट्री रही है, ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला। इसके साथ में आप लोग हल्का सा ये भी याद रख सकते हैं कि बुद्धिस्ट कुछ साइट है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर ये महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश यहां पर पार्ट है इसका, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि पार्ट बना लिए वैसे ही। तो यहां पर कौन कौन सा है, अजंता ये देखने को मिलेगा आप लोगों को महाराष्ट्र में, इसी के अलावा यहां पर राजगीर, नालंदा और यहां पर बोधगया, ये बिहार में है बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड, और सारनाथ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा।
सारनाथ उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ही आर्टिकल से आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो इसलिए बोलता हूं ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि जब शाम को वीडियो आती है आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो आप लोग के क्वेश्चन इसी तरीके से निकाल के रखे जाते हैं, ताकि आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी साथ में आप लोगों को पढ़ के जो चलते हैं, अगर शाम को प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेते हैं तो फिर देखिए लंबे समय तक चीजें आप लोगों को याद रह जाती है। हल्का सा फिर ब्रेशअप करना पड़ता है आप लोगों को, बस एक हल्का सा एक टचअप देना पड़ता है, फिर उसके लंबे समय तक चीजें याद रह जाएंगी, पर लेकिन ढंग से आप लोग स्टार्टिंग में करके चीजों को चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है जंक फूड के बारे में। देखिए जो भी आप लोग चाउमीन वगैरह, ये बर्गर वगैरह ये सब खाते हैं, ये काफी खतरनाक होता है अगर आप लोग अपनी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इनमें कुछ ऐसे चीज होते हैं, एक तो खासकर सबसे जो खतरनाक चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर फैट होता है, वो एक ऐसा फैट होता है जो कि आपकी जो आगे जो आपकी पेट है या फिर आपकी जो आप लोग आते जिनको बोलते हैं उनमें चिपक जाता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये एक तरीके से बहुत ही टफ बना देता है ब्लड सर्कुलेशन, तो उसकी वजह से भी काफी चीजें देखने को मिलती है। और ये रिसर्च की गई है कि बहुत बड़ा रोल इंपैक्ट करता है आजकल में जो हार्ट अटैक आते हैं, तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि ये सारी चीजें मत खाइए, यानी कि जो भी इस तरह का पैक्ड फूड आप लोगों को मिलता है जो कि पहले बना दिया जाता है और लंबे समय बाद आप लोग खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जैसे चिप्स वगैरह हो गई, काफी खतरनाक होते हैं, नॉर्मली बच्चों को हम लोग दे देते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम पास करने के लिए, वरना बच्चा कुछ और बोलेगा चिप्स पकड़ा देते हैं खा लो भैया, आप लोग एक तरीके से उनको गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो चीजें ऐसी खाने कुछ कीजिए, नेचुरल खाइए, हालांकि नेचुरल चीजें भी आज के डेट में इतनी खतरनाक है, उनमें काफी कुछ मिलावट रहती है, फिर भी इन चीजों से बहुत बेटर है। तो इसीलिए यहां पर देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इशू किया गया एक सर्कुलर यहां पर, जिसके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें जंक फूड उनके कैंपस में तो वहां पर बेचने के लिए उसको मना किया गया है। तो ये काफी अच्छी बात बोली गई, खासकर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि हेल्थ एक अच्छी बने, यहाँ पर खासकर विद्यार्थी जीवन जो है हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर अच्छी हेल्थ आप लोगों की रहेगी तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप लोग एक अच्छी इफिशियंसी के साथ में अपना आउटपुट दे पाएंगे, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर देखिए कुछ भी अच्छा नहीं रहने वाला है। तो कोशिश क्या करनी है, लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज करना है ताकि यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल की डिजीज है यानी कि मोटापा वगैरह हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है डायबिटीज वगैरह हो गया, ये सारी आप लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल के पार्ट की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगी, डिप्रेशन वगैरह हो गया, तो इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है। तो सर्कुलर इशू किया गया यहाँ पर, डायरेक्ट फ्रॉम कहां से आया यहाँ पर, ये आप लोगों को बताया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ये है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी किसी भी तरह का चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आप लोगों को ये मिनिस्ट्री नजर आएगी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसके अलावा जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है फंक्शन करता है किसके अंडर में, ये फंक्शन करता है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में, ठीक है, मिनिस्टर आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए रिवीजन कर लीजिए, फिर से बता देते हैं, ये चीज आप लोगों को नहीं भूलनी है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और अपनी लाइफ में भी आप लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, इग्नोर नहीं करना इस चीज को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है जो शहद का जो प्रोडक्ट होता है यानी कि हनी का, जो हनी और हनी का जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी नोटिफाई किया गया कि जो हनी और हनी के प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत सारा एडल्ट्रेशन होता है, यानी कि मिक्स कर दी जाती है उल्टी सीधी चीजें, जिससे कि यहां पर उसको क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। और इसी की वजह से देखिए आजकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हनी आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी ऐसी जैसे क्रीम वगैरह होती है या फिर कई सारी ऐसी तमाम चीजों में देखने को मिलता है, कई सारी मेडिसिन में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर इसमें मिलावट की जाएगी तो आगे बहुत बुरा इंपैक्ट डालेगी। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया कि इसको यहाँ पर रोका जाए, और इसी के लिए यहाँ पर जो बहुत डोमेस्टिक और जो इम्पोर्ट किया जाता है दोनों पर फोकस देने की बात की जा रही है, और खासकर ये हेल्प करेगा किसानों को और बेटर प्राइस मिलने में, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो प्राइस भी यहाँ पर अच्छा मिल पाएगा किसानों को, ये नहीं रहेगा कि मिलावट यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि मार्केट में जो चीजें आती है नॉर्मली कई तरीके से उनमें कई खतरनाक लेवल की मिलावट कर दी जाती है फायदा उठाने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि जो नेचुरल स्वीट जो सब्सटेंस है यहाँ पर क्या किया जाता है, नॉर्मली कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग शहद लेके आइए और उसको रख दीजिए, अगर वो शहद सही होगा तो वो सही रहेगा, अगर सही नहीं होगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली जो चीनी होगी उसमें सर्दियों में नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, अगर उसमें चीनी की मिलावट की जा रही है उसको अच्छा मीठा बनाने के लिए, तो ये आप लोगों को नजर आएंगी बहुत सारी, कई बार तो ऐसा करते हैं कि चाशनी बना लेते हैं, चाशनी मतलब जिसे आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली चीनी को बहुत देर तक पकाया जाता है और हल्का फुल्का शहद डालकर उसमें फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, ऐसी हरकतें भी की जाती है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखा कीजिए, हल्का सा ये आपकी सेहत की बात है, तो कोई भी प्रोडक्ट लें एक तरीके से उसको जांच पड़ताल करके लें, ताकि आप लोग कम से कम कुछ तो जागरूक रहिए, आप लोग इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, और कोशिश ये करनी है कि एक अच्छी कंपनी का ही खरीदें, या फिर एक तरीके से आप लोग ये सारी इस तरीके की चीजें जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं आसपास में आप लोग फॉरेस्ट है और वहां पर कोई बेच रहा है तो वो नेचुरल आप लोगों को मिल जाएगा,
तो असलियत में जो शहद मधुमक्खी के द्वारा बनाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में याद रखेगा। काफी न्यूज में आज की डेट में यहाँ पर याद रखेगा, इसी तरीके से इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, देखिए ये एजेंसी आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जाती है, इसलिए मैं डेली आप लोगों से कोशिश करता हूँ एक दो एजेंसी कवर करा लूँ, ताकि ये अगर कवर पहले भी करा लिया तो फिर से करा देता हूँ, ताकि रिविजन होता रहे, क्योंकि माइंड में चीजें एक बार में सेट नहीं होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो रिवाइज भी करते रहना ताकि लंबे समय तक चीजें याद रहे। राज्य से रिलेटेड न्यूज पर नजर डालते हैं, यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आ रही है केरला के बारे में, तो केरला का जो यहाँ पर है ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि केरला से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो उस पर थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। तो ग्लोबल ये यहाँ पर है ग्लोबल म्यूनामेंट कंजर्वेशन बॉडी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन म्यूनामेंट एंड द साइट, इसके द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया केरला में हेरिटेज रिक्यूज इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पर डैमेज हो गई है, जो भी रिच कल्चर हेरिटेज साइट थी उनको यहाँ पर बचाया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जो भी ऐसी साइट थी जो कि यहाँ पर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, तो उस पर फोकस दिया जाएगा, उसको बचाया जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पर फ्लड में जो डैमेज हुआ है उसको थोड़ा सही किया जा सके। इसके साथ में यहाँ पर सेट किया गया फेसबुक पेज, ताकि कलेक्ट किया जा सके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो भी जहाँ पर यहाँ पर डैमेज की हुई है चीजें, म्यूजियम से रिलेटेड या कल्चर आर्टिफैक्ट्स या फिर लाइब्रेरी आर्चिव, इसके अलावा जो भी यहाँ पर इनटेंजिबल जो हेरिटेज साइट है उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर फोकस देकर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम लोगों की हिस्ट्री जो होती है, जो हेरिटेज होती है, जो कल्चर होती है, उनको सिंगवा के हम लोगों को रखना होता है, किस लिए, क्यों, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए उससे पता चलता है कि हमारी कंट्री कैसी रही है पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टीम मिलाकर अच्छी यहाँ पर रेस्पॉन्स अच्छा निकल कर आ रहा है और इमरजेंसी लेवल पर यहाँ पर चीजें की जा रही है। ICOMOS इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में भी होना चाहिए। नेक्स्ट नजर डालते हैं यहाँ पर इकोनॉमी की न्यूज के ऊपर, जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर आप लोगों के सामने है, यहाँ पर बात की जा रही है, यह है इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2018। तो यहाँ पर इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2018 ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर किसके द्वारा, सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं CEPR, किसके साथ मिलकर, ये साथ मिलकर किया गया थिंक टैंक नीति आयोग, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एम क्या है, एम सीधे सीधे ये है, जो हमारी कंट्री का बैंकिंग सेक्टर है किस तरीके से उसे मोर अडेप्टेबल, यानी कि आसानी से जनता के फायदे के लिए, और इस तरीके से जो अगर कोई फ्यूचर में चैलेंज आ रहे हैं, जिस तरीके से NPA का चैलेंज हो गया या नीरव मोदी वाला जो केस हुआ अभी PNB में, वो सारे केस हो गए, इन सबको कंट्रोल किया जा सके। तो एम यही है कि किस तरीके से एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम हम लोग अपनी कंट्री में प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसके साथ में फोकस किया जा रहा है मिलकर। तो ये जो आप लोग को देखने को मिलेगा सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, ये यहाँ पर बेस्ड है, एक लंदन के बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिलकर काम कर रही है, लगभग ओवर 1000 से भी ऊपर यहाँ पर रिसर्चर आप लोगों को नजर आएंगे, जो कि फोकस देते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, यूरोप में, और यहाँ पर एक कोलेबरेट करते हैं अलग अलग कंट्री के साथ में, ताकि बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा सा सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो नेक्स्ट यहाँ पर नजर आ रही है, थोड़ा सा साइंस एंड टेक के ऊपर नजर डाल लेते हैं, तो हमारी कंट्री का फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फाइटर जेट की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, सॉरी हमारी कंट्री का नहीं, ईरान का हमारी कंट्री का नहीं है, ठीक है, तो ईरान का है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ईरान का ये यहाँ पर इस तरीके का ये फाइटर जेट है, ये कुछ कुछ पैटर्न पे है, जैसे USA का आप लोगों को देखने को मिलेगा FS5F, ये मैंने आप लोगों को याद आ रहा होगा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन की वीडियो में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका नाम यहाँ पर था KOWSAR। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन भी लगा रखे हैं, तो इसलिए भी आप लोग इसको थोड़ा याद रखेगा। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान में, फोर्थ जनरेशन ये है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये इंडिजिनियसली डेवलप, यानी कि खुद ईरान के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाया गया है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और क्वेश्चन बना भी था, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन वाली वीडियो में पूछा था डिटेल में, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये नाम जरूर याद रखिएगा, और ईरान से रिलेटेड है, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड न्यूज है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है, भूलना नहीं है, रिविजन भी आप लोग कर लीजिए। कुलदीप नायर जर्नलिस्ट है, जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था द हिंदू PIB में, सब में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, 95 ईयर की एज में यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, और यहाँ पर अभी जो इमरजेंसी लगी थी हमारी कंट्री में 1975 से 77 तक, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ह्यूमन राइट के खिलाफ जो भी यहाँ पर हनन हो रहा था उसके खिलाफ गई है, और इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और काफी फेमस पर्सनैलिटी थे यहाँ पर ये, इनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। इसके अलावा नजर डालते हैं यहाँ पर वन लाइनर के ऊपर,
वन लाइनर जो आप लोग का निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये आप लोग का रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर 500 मिलियन का लोन अभी पास किया गया था हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, गांव में सड़क को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री ने मिलकर IBRD से क्रेडिट लिया था यहाँ पर 2.7 मिलियन का वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर। यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर IRBDO हमारी कंट्री में है, एग्रीमेंट किया था कि राजस्थान में जो प्रोजेक्ट है वो उनको यहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, यानी कि राजस्थान में यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन आया। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन आया। इसके अलावा यहाँ पर यह UNCTAD तो यहाँ पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से FDI ये एक एजेंसी है जो कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर FDI का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बारे में बताती है। तो हमारी कंट्री में 2016 में जो FDI था यहाँ पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंट्री से लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये था $44 बिलियन, जो कि 2017 में घटकर ये कितना हो गया, $40 बिलियन हो गया है। और 2018 अभी चल रहा है, वो आप लोगों को इस साल के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंडीशन क्या है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सेटअप किया है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्रेटरी, जिसको PCR बोला जा रहा है। ये एक तरीके से रेपुजेटरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी लोन के बारे में, यानी कि किस इंडिविजुअल को या फिर किसी दूसरे पर्सन को कितना सारा लोन हम लोगों ने दे रखा है उसे पता रहेगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है और उसे फिर आने वाले टाइम में इसको लोन देना है या नहीं देना है, ये सारी बातें भी वहां पर जानने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से एक खाका तैयार किया जाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता रख सके कि ये इंसान लोन देने लायक है या नहीं है और बैंक उसे देखकर लोन दे सके उस इंसान को। ठीक है, तो ये कमेटी है यहाँ पर, ये इस कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा इससे रिलेटेड। तो ये आप लोग याद रखने का थोड़ी ट्रिक भी यहाँ पर, जिस तरीके से दोस्त ले यहाँ पर, यानी कि दोस्त कमेटी है यहाँ पर, ये बताएगी बैंकों को कि भैया हम आपके दोस्त हैं और आप लोगों को कहाँ पर लोन देना है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए का अटल भूजल योजना के लिए, ये यहाँ पर अप्रूव किया गया लोन, इसके बारे में याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा और गंगा रिजुवेनेशन के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की जाती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इसके अलावा यह है आज का आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन 71 लेक्चर, 71वां लेक्चर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। शेड्यूल कास्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था, अब शेड्यूल ट्राइब के बारे में आप लोगों को जाकर यहां का रिवीजन करना है पॉलिटी, जो कि मैं आप लोगों की कंप्लीट करा चुका हूं। लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा, ये लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा डायरेक्ट, वहां से भी लिंक पर क्लिक करके आप लोग देखते हैं। और जो ये लेक्चर मैंने बताया था, दोनों लेक्चर के लिंक एक साथ में आप लोगों को इस वीडियो को नीचे मिल जाएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद में आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। ये था हमारा आज का डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट करके आंसर जरूर दिया कीजिए जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं अगर आप लोग अब तक यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया। व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर करना चाहते हैं इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी फैमिली को और बड़ी बना सकें और एक अच्छा एजुकेशन लेवल अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड करा सकें। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। रिव्यू करने से चीज़ें आप लोग की लंबे समय तक माइंड में सेट हो जाती हैं, आप लोग उसको भूलते नहीं हैं और एग्जाम में याद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहां से, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था एशियन गेम से, तो काफी शानदार तरीके से हम लोगों ने देखा। और अभी लेटेस्ट यहां पर मनजीत सिंह जी के बारे में आप लोग याद रखते हैं जो कि आप लोगों को गोल्ड देखने को मिला इनका। नेशनल स्पोर्ट डे के बारे में हम लोगों ने जाना, ध्यान सिंह जी से रिलेटेड जो बातें थी, मोदी जी को बनाया जा रहा है 2019 का जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपना फेस बीजेपी के द्वारा। हमारी जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर सुषमा स्वराज जी, वो कंबोडिया की विजिट पर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना हमारी कंट्री के यहाँ पर एस सत्या एस त्रिपाठी जी, जिनको अपॉइंट किया गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर PV सिंधु जी यहाँ पर फर्स्ट इंडियन बन गई जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में एशियन गेम में। यहाँ पर बिमिस्टिक की समिट आप लोगों को देखने को मिल रही है नेपाल में, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने शानदार तरीके से दिए, इसी तरीके से आंसर देते रहना है आप लोगों को, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है आप लोगों के साथ साथ में। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के साथ देखने को मिला इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव और आप लोगों से 5 से 6 क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए कौन कौन से बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना जंक फूड के बारे में बात की, आप लोग खुद भी यूज नहीं करना है और दूसरों को भी यहाँ पर एक तरीके से इसके बारे में बताना है। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हम लोगों ने, स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी और अथॉरिटी के बारे में, और यहाँ पर हनी से रिलेटेड यानी कि शहद से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर केरला हेरिटेज रिक्यूज जो इनिशिएटिव चलाया गया उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के सामने है इंडिया बैंक कॉन्क्लेव जो कि आप लोगों को देखने को मिला, पार्टनरशिप में नीति आयोग भी यहाँ पर जिसके साथ मिलकर काम किया गया। ईरान का यहाँ पर ये एक डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर ये एक फाइटर जेट है, इसके बारे में जाना, नाम जरूर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्सनालिटी के बारे में जाना और इसकी ऑटोबायोग्राफी मैंने आप लोगों से पूछी तो जरूर बताइएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने वन लाइनर देखे और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिविजन और ये है आप लोगों का इकोनॉमी का जाकर लेक्चर देखने का पारी। बाकी आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को बताइए, आसपास सफाई रखनी है, पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है और लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।